वाली मस्त है यार। वाह भाई, तो रॉकेट की तरह चल रही है भाई। वाह यार। सो गाइस, तो मैं आ गया हूँ इंडिया का सबसे फेमस प्लेस संगम नगरी में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे जो गंगा नदी है, गंगा नदी का इसे संगम तट बोला जाता है, जो कि इसमें आपका गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम है। तो सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो चुकी है, तो आज है भाई इंडियन एयरफोर्स डे। तो इंडियन एयरफोर्स डे के दिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही होने वाली है। तबाही क्या, यहाँ पर अभी आप लोग कुछ देर में देखने वाले हैं, ढेर सारे अलग अलग प्रकार के लड़ाकू विमान आएंगे और अपने कर्तव्य को दिखाएंगे। और इसी तरह से यहाँ का नज़ारा है यार, और बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है भाई, देख सकते हैं आप लोग। और इधर गंगा नदी में सब लोग, कुछ लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आगे के नज़ारे को। सो गाइस, तो देख सकते हैं एयर शो का भूत इतना ज़्यादा सवार हो चुका है कि सब लोग देख रहे हैं एकदम गमछे का छतरी उतरी लगा कर चल रहे हैं। सो गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग यहीं से ही गाड़ी सब पार्क करने स्टार्ट कर दिए हैं। और पार्क करने का जो मतलब एरिया है बस यहीं पर है, इसके आगे पार्क करने वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा क्योंकि भीड़ भाई बहुत चौचक है। अरे उधर नहीं जाना भाई, ब्लॉक हो गया। भारत माता की। भाई जोश एकदम चपका है यार आज, एकदम एयर शो ऐसा लगता सब लोग पकड़। तो हम लोग देखिए संगम क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और धूप तो भाई इतनी जानदार है ना, अब उसी का वेट रहेगा। ये भाई संगम नगरी है, यहाँ आने के बाद आपको तपना पड़ेगा। अब वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो चाहे घूमने का क्षेत्र हो, तपना तो पड़ेगा तभी कुछ उखड़ने वाला है। चलिए आज हम लोग बड़ी बड़ी जहाज़ें देखेंगे और देखते हैं कैसा नज़ारा होता है। वैसे नज़ारा भाई बहुत ही खूबसूरत होने वाला है क्योंकि रिहर्सल में जब इतना जान था तो भाई आज तो इंडियन एयरफोर्स डे है तो जान तो डाल देंगे। अभी तक हम लोग समझ लीजिए 2 किलोमीटर चल चुके हैं, 2 किलोमीटर के बावजूद भी अभी तक चल ही रहे हैं। तो यार कितना दूर चलना है, चलते रहना है और चलती का नाम लगता है गाड़ी होने वाली। वो देखिए भाई ट्रक के ट्रक भर के लोग आ रहे हैं। तो गाइस, तो संगम तट का जितना भी क्षेत्र है हर तरफ से लोग समझ लीजिए बैठकर एयर शो देखने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और बाकी लगता है यार सब मिलाकर यहाँ पर हमें लगता है 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं संगम के उस बार भी लोग हैं, पुल पर भी ढेर सारे लोग हैं और अरैल क्षेत्र से भी लोग ढेर सारे लोग देख रहे हैं। 10 लाख क्या हमें लगता है 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा एरिया है भाई, हमें पूरा आपको दिखा नहीं सकता। और बस अब कुछ ही पल में एयर शो स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं भारतीय सेना के यहाँ पर कुछ लोग पैराशूट लेकर उतर रहे हैं, लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं और ये उतरने वाले हैं दूसरे एरिया में क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है, दिखाना मुश्किल है।
गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार हेलीकॉप्टर और आ रहे हैं। आप देखते हैं इसमें क्या है, तिरंगा। अच्छा वाओ गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें तिरंगा लहरा कर आ रहे हैं और यार नजारा बहुत ही खूबसूरत सा है। अभी पास आएगा तो फिर मजा और ही कुछ होगा। वाओ गाइस उधर देखिए हमारे लड़ाकू विमान भी आ रहे हैं। वाओ भाई यार दिल खुश हो गया यार। इधर देखो यार हमारा तिरंगा, गजब यार। क्या सीन है भाई, मजा आ रही है। तो भाई तहलका मच गया चारों तरफ से, देख लो क्या बात है यार। गजब नजारा है यार। नहीं अपाचे नहीं है, अपाचे नहीं है। खूबसूरत सा नजारा था भाई, एकदम यार दिल खुश हो गया। मशीन गन लगी है, मशीन गन लगी थी। ये अपाचे देख सकते हैं यार, वाह भाई। भारत माता की, वाह यार। ये वाला कुछ जानदार लगा भाई, एकदम दिल खुश हो गया। वाह हाँ यार गजब, क्या समझ लीजिए यार मजा आ गया। ये भीड़, भीड़ के भाई दो भीड़ देखिए भाई, लगता है आज घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, देखना है कितने बजे घर पहुंचेंगे। भाई देख रहे हो जैसे लगता है कुंभ का मेला लगा, एकदम बीच में कहीं पर है महाकुंभ, ये महाकुंभ का मेला। चलो जी थोड़ा आगे, किसको किसको मजा आया, फुल मजा, फुल एंजॉय लिया। वाह भाई मजा आया, भाई देख सकते हो यार।